सो गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, ये आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ वेट और ये आपकी वीडियो फर्स्ट है। तो इससे पहले आपने चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हम लेंथ को किस तरीके से मेजर करते हैं, जिसमें हमारी लेंथ को मेजर करने की जो भी यूनिट होती है वो होती है मीटर और सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट, ठीक है, कि वेट को कैसे मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है इसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं। तो हमारा चैप्टर है, देखते हैं, वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, कि हमारे हमें पता है हमारी लाइफ के लिए वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लेकर आते हो, कुछ भी आप खरीदते हो, आपके पेरेंट्स खरीदते हैं, तो उसको उसके वेट को मेजर करके लाते हैं, ठीक है, कि उसमें वेट उसका वेट कितना है, लाइक 1 kg 2 kg इस तरीके से। When we bring any object from the market, the shopkeepers gives the object to us after weighing it. यानी कि जब भी हमें मार्केट से हम कुछ भी खरीदते हैं तो दुकानदार हमें हमेशा क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मेजर करके देता है, उसके वेट को मेजर करता है। एंड ही यूजेस अ बीम बैलेंस टू मेजर द वेट, और इस वेट को मेजर करने के लिए, पता लगाने के लिए कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, वो एक बीम बैलेंस का यूज करता है। बीम बैलेंस यानी कि ये तराजू, जिनका और ये तराजू डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आपने देखा होगा शॉप पे कुछ डिजिट्स वाले होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो ये बीम बैलेंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन सेम काम करते हैं, यानी कि हमें वेट के बारे में बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। लार्जर थिंग्स लाइक हैवी बॉक्सेस आर वेट यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेगिंग मशीन्स, जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है या बड़े होते हैं जो आकार में, उनके वेट को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम बैलेंस का यूज़ किया जाता है। पढ़ते देखो, अब बैलेंस हैज़ टू पेंस, और एक बैलेंस यानी कि एक तराजू के दो पेंस होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ताकि वेट करते समय कोई डिसबैलेंस ना हो, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर ये 50 ग्राम है तो ये भी 50 ग्राम होगा, और इसके ऊपर जितना भी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसे मेजर किया जाएगा। जैसे टू मेजर द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, वी प्लेस द ऑब्जेक्ट on one pan and on the other pan, the weights are placed till two pans are on the same level. अब क्या होता है, किसी भी जब हम ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं, उसे देखते हैं उसका वेट कितना है, तो उसके लिए हमें इन टू पैंस में से एक पैन के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को रखना होता है और सेकेंड पैन के ऊपर उस वेट को रखना होता है। वेट को मापने के लिए कुछ बाट वगैरह होते हैं जो उसको इक्वल हमें पता चलता है, जिससे कि हमें तो वेट मापने के लिए ऑब्जेक्ट को एक पैन के ऊपर रखा जाता है और उस सेकंड वाले जो बाट वगैरह होते हैं उन्हें दूसरे पैन के ऊपर रखा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट एक्चुअल में है कितना। तो द क्वांटिटी और मास ऑफ थिंग्स लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, शुगर एक्सेट्रा आर मेजर्ड वेट इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। तो जो हमारे कुछ ऐसे सामान होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनकी वेट को नापने के लिए हमें उन्हें कुछ यूनिट देनी पड़ती हैं, ठीक है, जैसे कि उन्हें, जैसे हमने लेंथ को नापा था मीटर और सेंटीमीटर में, तो इनकी यूनिट्स होती हैं ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, इस तरह की इनकी यूनिट्स होती हैं इन्हें मेजर करने के लिए किस चीज़ को। जैसे हमने गेहूं वगैरह को मेजर करना हो, गेहूं वगैरह का देखना हो कि इसका वेट कितना है, तो हम उसे ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं। राइस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, पापा जब मार्केट से वेजिटेबल्स से फ्रूट्स लेकर आते हैं तो वो लेकर आते हैं ना कि हम 1 kg एप्पल लेकर आए हैं, या हमने 2 kg मैंगोज दिए हैं, या 1 kg पोटैटोज आए हैं, तो इस तरीके से उन्हें वेट करके तब वो सामान घर में लेकर आते हैं। शुगर आते हैं शॉप से तो शुगर भी लेते हैं ना, 1 kg 2 kg, तो इस तरीके से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं तो उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो ग्राम्स और किलोग्राम्स में होती हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्राम या ग्राम्स इज जी,
यानी कि हम ग्राम्स को या ग्राम को पूरा नहीं लिखते, बल्कि उसकी शॉर्ट फॉर्म जी से इंडिकेट करते हैं। और द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोग्राम या किलोग्राम्स इज केजी, यानी कि हम किलोग्राम या किलोग्राम्स को जो ये होती है यूनिट, इसे भी हम पूरा नहीं लिखते, बल्कि शॉर्ट फॉर्म केजी से इंडिकेट करते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ये देखो, अगर सपोज करो कि मम्मी मार्केट से एप्पल्स लेकर आती हैं, तो हम लिखेंगे मम्मा ने कितने एप्पल खरीदे, 1 केजी। इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम, इस तरह से। तो मैं इसे ना लिख के इसे लिखूंगी, यानी कि 1 केजी शॉर्ट फॉर्म में उसको मैं लिखूंगी। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। चलो, अब हम लोग अभी तक हमने सीखा कि वेट को किन यूनिट्स में हम मेजर करते हैं, ग्राम एंड किलोग्राम। अब हम करेंगे कि ग्राम्स को ग्राम से और किलोग्राम को किलोग्राम से किस तरीके से ऐड करते हैं। लाइक यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ऐड 40 ग्राम्स एंड 30 ग्राम्स। तो 40 ग्राम्स और 30 ग्राम्स को हम प्लस कर देंगे, जैसे कि हम नंबर्स को प्लस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। जैसे 40 ग्राम्स और ये 30 ग्राम्स, तो कितना हो जाएगा, 70 ग्राम्स। कितना हो गया ये, 70 ग्राम्स। और ये सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें हमें दिया गया एड 24 केजी। ये देखो, इन्होंने यहाँ पे किलोग्राम ना लिखे, बल्कि उसकी शॉर्ट फॉर्म केजी लिखी है, 130 ग्राम। यहाँ पर भी ग्राम ना लिखकर शॉर्ट फॉर्म जी लिखी गई है। तो हमें ऐड करना है 24 किलोग्राम, 130 ग्राम एंड 19 किलोग्राम, 395 ग्राम। तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम वाली डिजिट्स रखेंगे और ग्राम के नीचे ग्राम वाली डिजिट्स रखेंगे। लाइक 05, तो कितना हो जाएगा, 5 3 9 12 2 1 कैरी किया, 314 और यहाँ 5। अब यहाँ 49 कितना हो जाएगा, 13 का 3 और यहाँ पे 1 कैरी किया, 213 और यहाँ 4। तो ये हो गया 43 किलोग्राम, 525 ग्राम्स, यानी कि 525 ग्राम्स। तो इस तरीके से किलोग्राम्स को किलोग्राम्स के नीचे और ग्राम्स को ग्राम्स के नीचे रखकर हम उनको प्लस करते हैं। ऐसा नहीं करते कि किलोग्राम को ग्राम के नीचे रख दिया या ग्राम को किलोग्राम के नीचे रख दिया। जैसे कि ये हो गया 24 130, ऐसा नहीं होगा कि मैंने किलोग्राम के नीचे यहाँ पर ग्राम लिख दिया, जैसे कि 395 लिख दिया, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। हमें किलोग्राम के नीचे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 24 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, तो 24 किलोग्राम और 19 ग्राम्स को, किलोग्राम को हमें एक दूसरे के नीचे रखना है। और 130 ग्राम, 395 ग्राम, 130 ग्राम और 395 ग्राम को हमें एक साथ रखना है, तब हम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अब इन द एडिशन इन मेजर्स ऑफ मास इज द सेम एज द एडिशन ऑफ द नंबर्स। और ऐड बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हम नंबर्स को करते हैं। जैसे अभी हमने किया यहाँ पे, टोटल सिंपल होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इनको ग्राम्स को ग्राम्स से प्लस करना है और किलोग्राम्स को किलोग्राम्स से प्लस करना है। सबसे पहले हम ग्राम्स में ग्राम्स जोड़ेंगे, डिजिट्स हुई है यहाँ पे, इन्हें हमें जोड़ना है। ठीक है, ऐड करना है। सो जैसे कि हम करेंगे 98, कितना हो जाएगा, 17 का 7, 1 कैरी किया, 38 कितना हो गया, 9 10 11 और ये 12, यहाँ पे जी का जी, तो ये हो जाएगा 127 ग्राम्स, यानी कि 127 ग्राम। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, जी के नीचे जी, 06 का 6, 544 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आया, 96 ग्राम्स। सेम आपको ये भी करना है। ये देखो, ये 2 डिजिट्स में है, ये 3 में दिया हुआ है। कैसे, ग्राम्स के नीचे हम ग्राम्स लिख देंगे, 7 और 1 8, 8 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का 7, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, 6 to 8, 8 और 8 16 और 1 कैरी किया तो ये हो गया 17। तो टोटल मिला के 177 ग्राम्स। इसी तरीके से आपको ये वाले सम्स भी ऐड करने हैं। हम एक और करते हैं, चलो ये वाला करते हैं, जी के नीचे जी, 9 9 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 and 5 23। ठीक है, 23 का हम 3 यहीं रखेंगे और 2 पर कैरी कर लेंगे, 2 7 9 10 11 का 1, 1 कैरी किया, 1 1 2 2 9 11
11, 7, 18, तो कितना हो गया ये 18 and 13 ग्राम्स, यानी कि 1813 ग्राम्स। तो इतना आपको इसी तरीके से बाकी सब भी ऐड करने हैं। अब नीचे वाला करते हैं, चलो देखो कैसे। इसमें हमने ग्राम्स को ऐड किया, इसमें हम किलोग्राम्स को ऐड करेंगे। किलोग्राम्स के नीचे किलोग्राम्स लिख देंगे, 6, 4, 10, 0, 1 के लिए किया, 7, 1, 8, 8 और 5, 13, ठीक है। तो ये हो गया 130 किलोग्राम। अब इसी तरीके से हम इसे भी करेंगे, केजी के नीचे केजी, 3, 1, 4, 7, 2, 9, 5, 3, 8, 894 किलोग्राम, ये भी हो गया। अब सेम आप इसको करोगे, जैसे केजी के नीचे किलोग्राम, के नीचे किलोग्राम, फिर 2, 2, 4, 2, 1, 3 और 7, 10, 104 किलोग्राम हो गया। अब सेम इसे इधर भी करेंगे, जैसे कि किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, 5, 5, 10 और 6, 16 का 6, 1 कैरी किया, 10, 5, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 1 यहाँ रह गया, 2 कैरी किया, 2, 1, 3, 3, 6 और 1, 7, तो ये हो गया 7, 16 किलोग्राम। तो सेम आपको बाकी के सम्स भी इस तरीके से ही करने हैं ऊपर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे करते हैं। इसमें क्या किया है, इसमें लोगों ने किलोग्राम और ग्राम्स दोनों को ऐड करने के लिए दिया, लेकिन देखो ग्राम्स के नीचे ग्राम्स ऐड करना है और किलोग्राम्स के नीचे किलोग्राम्स ऐड करना है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, 4, 5, 9, 6, 2, 8 हो गया। तो हमारे पास 8 किलोग्राम 900 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। इसे ऐसे ऐड करना है, बाकी के भी इसी तरीके है सेम। देखो 0 के नीचे 0, 5, 9, 14, 1 कैरी किया, 7 और 2, 9 और 2, 5, 7 और 5, तो 57 किलोग्राम और 940 ग्राम्स हो गया। आपको बाकी के भी इसी तरीके से ऐड करने हैं, एक ये वाला करते हैं। देखो 9 और 5 कितना हो गया 14 का 4, 1 कैरी किया, 2, 3, 3, 6, 6, 7, 13 का 3, 1, 8 और 1, 9, 10, 11 और 11 और 4, 15, तो 15 का 5 यहाँ रह गया और हमने यहाँ पे 1 कैरी कर लिया, 3, 8, 3, 1, 4, 4, 6, 10, 5, 15 का 5, 1 यहाँ कैरी किया, 5, 4, 9, 9, 9, 18 और 1, 19, तो 195 किलोग्राम और 534 ग्राम्स। इसी तरीके से आपको बाकी के सम्स भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हम वेट को किस तरीके से मेजर करते हैं। बेसिकली वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट्स होती हैं और हम हमेशा मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम बैलेंस होते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बीम बैलेंस का यूज किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पैन पे रखा जाता है, देन दूसरे वेट को हम सेकेंड पैन पे रखते हैं, ठीक है। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, और ग्राम्स को ग्राम्स के नीचे और किलोग्राम्स को किलोग्राम्स के नीचे रखकर ही हमेशा ऐड करते हैं। ग्राम्स को हम ग्राम्स ना लिखकर उसकी शॉर्ट फॉर्म जी लिखते हैं, और किलोग्राम्स को किलोग्राम्स ना लिखकर उसकी शॉर्ट फॉर्म हम केजी लिखते हैं, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे।